डेढ़ और दो बज गए। नजर की गलियां है पाकिस्तान ना समझिएगा। शहरी का टाइम होने को करीब है। अच्छा नहीं हुआ जी। चलो जी हाँ बहुत सारा बाबा। अस्सलामुअलैकुम यालिल इस्लाम। मैं आपके साथ शाकिर अलमेशी। आज हम आए हैं यहाँ पर नजफ़ अशरफ में एक बहुत बड़े गोदाम पर, जहाँ पे रमज़ान के राशन का सिलसिला जो हमने शुरू किया है मोमिन और यतीमों और मुस्तहकीन के लिए, और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इसको बहुत जल्द मुकम्मल करें। फिर 19 रमज़ान की जो है सहरी का हमने काम करना है, और उसके बाद 23 रमज़ान लैलतुल क़द्र के लिए करबला जाना है। 15 रमज़ान को इंशाल्लाह हमने मौला हसन का दस्तरखान लगाना है करबला में। फिर बस का सिलसिला भी जारी है। वीडियो तो आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह देखिएगा कि किस तरह हम तकसीम करते हैं और कहां तक पहुंचते हैं। और ये सब आपके तावन से है, मेरी ज़ाती तरफ से नहीं है। जिन मोमिनीन ने तावन किया उनका नाम लेके मौला के रोज़े में, और इंशाल्लाह जो खाएँगे सहरी अफ्तारी में आपके लिए दुआ करेंगे। मैं आपके साथ शाकिर नशवी, वीडियो आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम या अली सलाम मदद। हाँ जी बिल्कुल, गोदाम पे पहुंच चुके हैं हम, और जो है बेहतरीन किस्म के चावल पड़े हुए, मुख्तलिफ किस्म के। हमने जो चावल जो हो सिलेक्ट किए हैं वो रेट जो है शॉपर हैं उसके चावल हैं बेहतरीन, और पहले हमने घर में खाए हैं उसको चेक किया है, और उसके बाद फिर हम जो है ले रहे हैं। हमने तकरीबन जो है वो छे हुए, हमने 6-7 आइटम हैं जिसमें चावल है और आटा है और जो है ऑयल है, और उसके बाद दूध है, और उसके अलावा नमक है, और उसके अलावा शक्कर है और शुगर, और उसके अलावा जो है चावल और दाल। ये जो मेन चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह रखी हुई हैं, और जो यतीमों के लिए उनके लिए अलग एक बहुत बड़ा जो है पैकेज किया हुआ है। तकरीबन उसको एक एक फैमिली को $100 से भी ज़्यादा या $100 के अंडर, $100 के करीब तो उनको दिया जा रहा है। हस्ब तौफीक जिसको जितने बच्चे हैं यहाँ क्या, तो ये सिलसिला जारी है इंशाल्लाह। बहुत सारे काम हैं, एक दिन निकाल के यहाँ पे भी आए हुए हैं, और ये हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं जो दाल है वो भी तुर्की की है बेहतरीन। मामूली दाल नहीं, बहुत अच्छी, और आटा भी उसको चेक करवाया है, और शुगर भी है, वो एक एक चीज़ जो है हम जो है उसमें देख के ले रहे हैं, ताकि सही तरह से हम मोमिनीन को तकसीम कर सकें। ये पहला हमारा जो है इंशाल्लाह देखते हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं मोमिनीन को सही तरह से तकसीम। दिन रात इसमें मेहनत लगती है, और बहुत ही ज़िम्मेदारी का काम है, और रमज़ान के अयाम हैं, नजफ़ अशरफ की सरजमीन है। तो अल्लाह पाक जिन मोमिनीन ने ये तआवुन किया उनके लिए ख़ुसूसी दुआ है कि आपके ज़रिए से कि किसी के घर में खाना जाता है और रमज़ान का एक अगर लुकमा भी किसी को खिलाया जाए तो उसका तो बहुत बड़ा सवाब होता है एक लुकमे का, या एक मगर इतनी अच्छी तादाद में खाना देना करना। यहाँ पे नजफ़ में बहुत सारे मोमिनीन कर रहे हैं, तो ये पहली मर्तबा है। मैं इसके अलावा यतीमों के लिए करता रहता, अभी आम जो है मोमिनीन और मुस्तहकीन के लिए इंशाल्लाह यहाँ पे सिलसिला किया हुआ है। बहुत और भी ज़्यादा ज़रूरत है, मगर जितनी हमारे पास पैसे आए और जितनी हमारे पास है, तो इसमें हम जो है कोशिश कर रहे हैं $20-25 तक पर हेड इसको जो है हम मोमिनीन को दे सकें। हम चाहते हैं इसे बढ़े आगे दें, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा इसको जो है आराम से तनावल कर सकें। तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं। बाकी जो यतीमों के लिए वो एक अलग सा, वो इनमें से नहीं है, वो अलग से हम बना रहे हैं। इनकी पूरी कॉटन जो है ऑयल की, जिसमें 12 बॉटल्स होती हैं, और एक जो चावल की इस तरह की पूरी उनको देंगे, आटे की पूरी देंगे, शक्कर शुगर की पूरी देंगे,
और चाय होती है, टमाटे होते हैं और जो भी उनके यहाँ पे उनको भूख है उनको हम देंगे। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इसको तकसीम किया जाए ताकि मोमिनीन तनावल करें और मोमिनीन तक तवाब पहुँचे। और उसके बाद फिर रमज़ान में जो 15 रमज़ान का सिलसिला है, दस्तरखान इमाम हसन का है, 19 रमज़ान सहरी, मौला अली अलैहिस्सलाम जो उसकी मशहूर रवायत है कि मौला को जब ज़रबत लगी थी तो सारे कूफे वाले दूध आपने मौला के घर पे लाके वहाँ पे खड़े हो गए। तो हम चाहते हैं दूध की सबील भी इंशाल्लाह कूफा में करें उसी मौला के दिन को याद करते हुए। उसके बाद 23 रमज़ान लैलतुल क़द्र पे न्याज और बसफ्री का सिलसिला भी जारी है इंशाल्लाह। तो देखते हैं जो है बेहतरीन तरीके से हमने किया है और इंशाल्लाह फिर भी यही कहूँगा कि जिन मोमिनी ने हिस्सा लिया है एक एक का नाम लेके रोज़े पे इंशाल्लाह दुआ करूँगा और रब जानता है फिर उनके नाम और उनके मरहूमीन के नाम जिन्होंने भी दिया है रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। बेहतरीन पैकिंग शुरू है, रमज़ान के दिन है, कोई आम बात नहीं है। गर्मी की शिद्दत भी बढ़ गई, यहाँ पर 40 तक आने को करीब है, मेरे ख्याल 40 से पहुँच गई है, 40 दिन में 40 से भी ज़्यादा है। तो गर्मी इराक़ की 40 भी बहुत हाई लेवल पर होती है और बहुत जल्दी आ जाती है। एक दिन सर्दी तो दूसरे दिन तीसरे दिन फौरन ही गर्मी आ जाती है। इराक़ का कुछ सिलसिला अभी है, दो दिन पहले यानी 4-5 दिन पहले बहुत ठंड अच्छी जो है मौसम थी, अब बिल्कुल चेंज है। हमें ज़रूरत तो इससे भी ज़्यादा है मगर हमारे अंदर जितनी इस्तात है तो उस मुताबिक ही हम कर रहे हैं। तो देखें अगर आगे मोमिनीन ने तआवुन किया अच्छा तो हम मज़ीद अच्छा करना चाहते हैं, बल्कि रमज़ान में नहीं आम दिनों में भी जो हम तक पहुँचाना चाहते हैं। चावल बहुत अच्छे हैं, सारी क्वालिटी अच्छी है। एक गाड़ी जो है मुकम्मल हो चुकी है, यहाँ पे बेहतरीन तरह से इसको पैक करा रहे हैं, पैकिंग हो रही है और दो गाड़ियाँ जो हैं अभी लेके जा रहे हैं और देखते हैं फिर जैसे ये तकसीम हो जाते हैं तो दो गाड़ियाँ और मेरे ख्याल से या इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े। अब यही होगा कि इंशाल्लाह आप में से जो मोमिनीन तआवुन करना चाहें तो बिल्कुल बिला शुबा यही दिन है तो उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों जो गाड़ियाँ इंशाल्लाह फुल करके लेके जाएंगे और बहुत सारे जब ये शुरू करेंगे तो पता चलेगा कितने मोमिनीन को और ज़्यादा ज़रूरत है, मगर मेरे अंदर जितनी ताकत थी तो मैंने किया है। इस वक्त हम जा रहे हैं जो है सामान लेकर घर की तरफ और एक दोस्त के घर, वहाँ पे सामान रखेंगे, वहाँ से जो है फिर शाम को तकसीम करना शुरू करेंगे। इलाका का शहर है और सामान जो है सारा पैक हो गया। बड़ी मेहनत है, बड़ी दिक्कत है और रमज़ान में ये काम करना आपको मालूम है कोई आसान नहीं है। ये मेरे मौला का शहर है नजफ अशरफ। मौला का शहर भी देखते जाएं आप।
लगाते जाते हैं, इंशाल्लाह पूरा कमरा फुल हो जाएगा और रमजान भी काम कर रहे हैं। मोहम्मद वाल मोहम्मद वजिल फरज होम आपको मालूम है रमजान जो है वो वसत मराइल में हो चुका है। 14 रमजान की शब है। अल्लाह पाक आपके रमजान की इबादत को कबूल फरमाए और खुसूसन उन मोमिनों के लिए मेरी दुआ है जिन्होंने ये जो राशन आपके सामने हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है उनके लिए इंशाल्लाह मौला के रोज़े में तो नाम लेके दुआ की जाएगी, मगर जिस जिसने भी यहाँ पर उन्होंने हिस्सा लिया है उनके लिए खुसूसी दुआ है। तो मेरा जो ख्याल था कि कुछ यतीम जो पिछले साल मैंने काम किया था उनके ऊपर उनको राशन देने के लिए, तो मैंने फिर जिस तरह पाकिस्तान में एक नल का सोचा तो मौला ने फिर वो इस तरह काम चला कि 70-70 नल पानी के वाटर पम्प लग चुके, अभी तक काम जारी है। इसी तरह मेरा भी इस साल यही ख्याल था कि मैं यो यतीम है 2-3-4 फैमिलियाँ उनको दूं, मगर फिर अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि मैंने जब दोस्तों को दावत खैर दी मोमिनीन को तो बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया, कतरा कतरा फिर ये जो आपके सामने है बनता गया। मोमिन जो जिन्होंने तावन किया है उनके नाम जो हैं मैं खुश हूँ, जो सबसे पहले जिन्होंने यहाँ पर पहले ही पैसे भेज दिए थे पिछले साल की तरह हमारे रिजवान भाई हैं न्यूयॉर्क में, उनको और उनकी फैमिली के लिए दुआ गूँ, और उसके बाद मलाइका सिस्टर हैं उनके लिए दुआ गूँ, और यहाँ पर बहुत सारे जो मोमिन मुख्तलिफ़ चीज़ों में उन्होंने तावन किया है लंगर न्याज में, उन सबका इंशाल्लाह नाम लेके करूँगा, जैसे आसिम भाई उसकी पूरी फैमिली, हाजी अदालत अली और उसकी पूरी फैमिली के लिए फजलुद्दीन अल्लाह रखे, और जो है फरीदा अली शबनम अली और यहाँ पर हमारे राशन में जो तावन किया है मोमिनीन खोरम भाई हैं और उसकी पूरी फैमिली के अली दानियाल भाई और उसकी पूरी फैमिली, अफशां और उसकी पूरी फैमिली, नबीला सिस्टर न्यूयॉर्क से और रोज सिस्टर गोशी फैमिली के लिए दुआ, उन्होंने भी तावन फरमाया, और जो है आसम अली खुशबाश बिशारत अली और यहाँ पर मुनवर अख्तर जी साजिद अली नकवी फिज़ा सिस्टर उनके लिए खुसूसी दुआएं, और अली अकबर भाई और परवीन सिस्टर डॉक्टर वक़ार रिजवी उसके अहले खाना के लिए, खुरम भाई नबीला कौसर और यहाँ पर मिर्ज़ा सोहेल हैं सबा नज़र और जायद हुसैन और हाजी मोहम्मद ज़मीर उनकी फैमिली अहल अयाल और उनके बच्चे और उनके वालदेन मरहूमीन जिन जिन मोमिनात ने हिस्सा लिया है, सफ़िया मोहब अली और उसके वालदेन उनकी बहन भाई सारे अहले खाना जिनका भी नाम ले रहा हूँ जिसका नाम अगर नहीं ले पाता हूँ तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। यहाँ पर जो है बहुत सारे मोमिन हैं जिनका मैंने नाम लिया है, सैयद ग़ुलाम कासिम और उसके अहले खाना, और उन मोमिन को भी याद कर रहा हूँ कि जिन्होंने अभी या इससे पहले या जिन जिन न्याज में जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने हिस्सा लिया है उन सबको भी याद किया जा रहा है, कि जिन्होंने 15 हमारे सिस्टर सादिया जो हैं सदफ बतूल जो हैं किरण और उनकी मोम उनकी तरफ से भी हैं, नुसरत बहन उनके लिए, मोहम्मद हनीफ और उसके अहले खाना हनी फैमिली के लिए दुआ है, और
जाफ़र अब्बास और सैयद अली अमीर शाह जो कॉलेज के मरीज़ हैं उनके लिए खुसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको सेहत कामला दे। उनकी वालदा ने बहुत दुआओं के लिए कहा है। उम्मे सलमा सोगरा बिनते सोगरा बीबी और मारूफ बीबी के लिए भी दुआ है। तैयबा सिस्टर के लिए दुआ है। उम्मे सलमा के जो फर्जंद हैं जाफ़र अब्बास मोहम्मद अब्बास उसके अहले खाना उनके पोते नवासियाँ नवासे जिन्होंने भी मुझे दुआओं के लिए कहा सबके लिए। और जो है यहाँ पर हमारे साथ हैं मियाँ निज़ाम खान जिन्होंने हदिया पेश किया था उनकी तरफ से भी दुआएं। और सैयदा नबीला शाह मोहम्मद शाह अब्बास जो है उन्होंने जो है वो 15 रमज़ान का प्रोग्राम करना है उनके लिए उनके बच्चे के लिए दुआ कि अल्लाह उनके बच्चे को जो है जिस्मानी जहनी और रूहानी सेहत और मुश्किल आसान फरमाए। सादिया यास्मीन सिस्टर जो हर वक्त हमारे साथ रहती है मदद करती रहती हैं उनके वालिद मरहूम और उनके बहन और भाई मरहूम की तरफ से फरिश्ता बहन जो है उन्होंने यहाँ पे डोनेट किया हुआ है। इस तरह बहुत सारे मोमिन मोमिनात हैं जिनके नाम जो है शायद मैं नहीं ले पाऊँगा क्या क्योंकि उन्होंने जब भी शुरू से लेकर आखिर तक जो सिलसिला जारी है तो उन सब के लिए दुआ है अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह पाक आपकी इस अमाल को कबूल फरमाए। अभी ये जो इब्तिदा है मेरी मैं चाहता हूँ इसको बढ़ के काम करूँ। ये पहली जो है वजबा जिसे कहा जाता है पहली तरफ से मैं चाहता हूँ इससे ज़्यादा काम जो है रमज़ान में जो चलता रहे आखिर तक बल्कि आम दिनों में भी इसको जारी रखूँ क्योंकि कुछ ऐसे मोमिन हैं जिनको रमज़ान नहीं लोग रमज़ान में सिर्फ नहीं जो है राज़िक तो खुदा है और हिलवेत अलैहिस्सलाम के वसीले से मिलता है। मैं चाहूँगा कि आपके तआवुन से आम दिनों में भी उनको ये राशन वगैरह पहुँचाया जाए तो इंशाल्लाह ये तब होगा जब आप हमारे साथ मिल के तआवुन करेंगे। और मौला की बारगाह में जैसे मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और जिस तरह आपने वसीयत में कहा है कि मेरे बाद जो है मेरे यतीमों का ख्याल करना। यहाँ पर कुछ फैमिलियाँ हैं जो वाकई मुस्तहक हैं जिनके लिए मैं काम करना चाह रहा हूँ बल्कि ईद के कपड़े वगैरह तो ईद की शब से पहले जो मैं अपने बच्चों को जैसे नहीं लेके देता जिस तरह उनको लेके देता उनकी पसंद और अख्तियार जिस तरह हमारे दोस्त पहले हैं मिर्ज़वान भाई हैं और दूसरी फैमिलीज हैं हर साल वो करती रहती हैं उनके साथ जिस तरह हर मंथ जो है एक सिस्टर है अनम सिस्टर उसकी बहन हर मंथ में यतीमों के लिए मदद करती रहती है उनके लिए खुसूसी दुआएँ मौला जानते हैं। तो इस तरह इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहा तो इससे बढ़कर काम करेंगे मौला के शहर में और ये तब होगा जब आप सब मिलकर तआवुन करेंगे। मेरी जो सर जो आपके सामने ये मोमिन जो खिदमत कर रहे हैं इनके लिए भी दुआ करें अल्लाह पाक से इनकी भी खिदमत को कबूल फरमाए और हमारी ज़हमत को भी कबूल फरमाए और आपके तआवुन को भी कबूल फरमाए और मज़ीद इंशाल्लाह आपको जो है रब्बुल आलमीन इज़्ज़त अता करें। लेकिन आपने इसमें हिस्सा लिया है आपकी तरफ से कोई नजफ अशरफ में मौला का न्याज खाए तो बहुत बड़ी सआदत की बात है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ करूँ अल्लाह आपके घरों में जो मुश्किल आती हैं आसान पर मैं आपके साथ शाकिर नशी इंशाल्लाह ये घर घर पे जाके तकसीम करेंगे वो आप देखिएगा वीडियो में आखिर तक। लबे क्या हुसैन लबे क्या अमीर उन कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी खिदमत आपको कैसे लगी। चलो जी शुरू कर रहे हैं चलो जी रात के टाइम में हमने काम शुरू किया हुआ है देखते हैं कहाँ तक मुझे बंद कर आगे
दरवाजा खड़ता है। अंदर करवा रात के टाइम चला रहे हैं ताकि किसी की चेहरा नज़र ना आए जिसको दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ये तो जिसको दे रहे हैं उसका चेहरा नज़र नहीं आए। तो सिर्फ ये कि हम जो चला रहे हैं तो ये रात के टाइम हम बांट रहे हैं, इंशाल्लाह हमें पूरी रात शायद लग सकती है और ये हमारे लिए सआदत है कि मौला हमसे ये खिदमत ले रहा है। उम्मीद है आप बैठे हुए आपकी तरफ से किसी घरों पर जाके बाबा कहाँ हैं? हाँ बस बता जो क्या किराया हुआ लेकिन तो बाबा सोहेला बंद कर दियो बस आ गए छो हया कला बाबा
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद। रात के टाइम ये सिलसिला जारी है नजफ अशरफ की गलियों में, मोमिनीन तक ये राशन तकसीम करने जा रहे हैं, तो दरवाजे दरवाजे पर रख के आ रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि उनका चेहरा ना है जिनको दिया जा रहा है। हाँ, दुआ करें मज़ीद खिदमात कर सकें नजफ अशरफ में और करबला में आप सबके लिए, आप सब की तरफ से। या अल्लाह, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व अज्जल फरजहुम। क्या हो आदा राशन दो सर, ऐसा करे इधर से वो खानी है चो मजाज खान जी। हाँ, रात के टाइम पे ये तकसीम किया जा रहा है, यकीनन बहुत बड़ी जस्तजू है, तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि सही तरह से तकसीम किया जाए। चल इधर आ, अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आल मोहम्मद व जिल फरजहुम। नजफ की गलियों में ये सिलसिला जारी है। फिर भी कहता चलूं कि ये मोमनी मोमना जिन्होंने तआवुन किया हम सब की तरफ से, सिस्टर अफशां ऑस्ट्रेलिया से, उनके अहल वयाल के लिए भी दुआ की जा रही है, और जिन मोमनी मोमनात ने जिसने भी तआवुन किया, मौला तो जानते हैं खुदा भी जानता है, तो ये उनकी सब की तरफ से। यला जी वाह वाह, याला 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 बात बात हारिस इधर लेकर ठीक है, ये सामने रख। दरवाजा खटखटा, हले आलो اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم। ये नजफ में पहली मरतबा आपने शायद देखा होगा कि रात के टाइम इस तरह मोमिनीन को दे रहे हैं। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। ये खुदा में इनके लिए भी दुआ करें, ये जो खिदमत कर रहे हैं हमारे साथ मिलके तआवुन कर रहे हैं। या अली या हुसैन या मेरा, इंशाअल्लाह 19 रमजान पे प्रोग्राम में के दूध की सबील लगाई जाएगी मौला अली सलाम के घर के बाहर। 15 रमज़ान पे दस्तरखान इमाम हसन, 23 लैलतुल क़द्र इंशाअल्लाह अफ्तारी होगी और अमाल होंगे।
सादिया सिस्टर की तरफ से और मोहम्मद शाह की तरफ से 15 रमज़ान का दस्तरखान उनकी अम्मी की तरफ से उनके अहल वयाल मरहूमीन के लिए दुआ की जाएगी। शुरू कर बटन दबाए ना स्टार्ट है दरवाजा नहीं खोलना चल आ जा या अल्लाह मेरा बना दे इंशाल्लाह चलें चलें बिस्मिल्लाह चलें लेके चलें 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 जी लबैक या हुसैन लबैक या अमीर अल मोमिनीन तमाम जो तकसीम का काम था मोमिनीन ने घरों तक पहुंचा दिया और कोशिश की है हमने शुरू से आखिर तक जिनको दिया जाए उनका चेहरा ज़ाहिर ना करें जिस पर एतराज़ भी बहुत होते हैं और देना भी इस तरह सही नहीं है। ये वीडियो भी इसके लिए बना रहे हैं कि जिन मोमिनीन ने हमारे साथ तआवुन किया है उन तक ये रसाई हो जाए कि आपकी चीज़ दी हुई मोमिनीन तक पहुंचा दी है और मौला के शहर में ये तकसीम हमने कर दी है। अगले जो मोमिनीन को इंशाल्लाह जब तआवुन होगा तो जिस तरफ से हम चाहेंगे चलाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। और फिर से सारे मोमिनीन को दे चुके हैं, चंद बचे जो इंशाल्लाह लेके जाएंगे। जितने मोमिनीन हैं आपने तआवुन किया हमारे साथ अल्लाह आपके तआवुन को कबूल फरमाए आपके मरहूमीन के लिए और आपके लिए। मैं पूरी इंशाल्लाह मौला से भी इल्तमास करूँगा कि जिन्होंने जो जो मुश्किल की वजह से क्योंकि जो मोमिन जिन्होंने दिए हैं अपने मरहूमीन के नाम भी दिए हैं लिखाने के लिए भी कहा है हर एक का नाम लेना करना मेरे लिए तो क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है और मैं अपनी टीम का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे साथ मिलके इसमें तआवुन किया है मोमिन को तकसीम करने में और आप देखने वालों के लिए भी खुसूसी मौला के पास दुआ है। ये बड़ी सआदत है आपके लिए भी कि मैंने मौला भी कहते हैं कि जब सीधे हाथ दे दो सीधे हाथ से दो किसी को तो उल्टे हाथ को पता ना चले। तो हम दिखाना यह सारा कुछ इसके लिए ताकि जिन मोमिनीन ने दिया है उनको मालूम हो जाए कि यहाँ कहाँ पर कसर हो गया। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा आप आगे भी खिदमत रहेंगी। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जिस तरह मैं अपना घर लूँ यहाँ पे मोमिनीन को फ्री ज्यारत कराऊँ मैं स्ट्रे कराऊँ करबला वजह में मंबरगा हो करबला के रास्ते में मंबरगा हो और मेरी जवानी है ये सारे काम मैं कर सकता हूँ और इंशाल्लाह ये काम होंगे। रमज़ान के बाद मौला इमाम मूसा कादम का शहजादा और उनके औलाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कब्रों की तामीरात काम शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह वो भी आपके सामने होगी। मोमिनीन ने काफ़ी तआवुन किया हुआ सारे मेरे पास अमानत पड़ी हुई है उनकी अमानतें
जो आप में से ज़्यादा ताउन करना चाहें, इंशाल्लाह आपके पैसे सही जगह पे इस्तेमाल होंगे और इंशाल्लाह आपके लिए सवाब और अजर होगा। हाँ, मेरे लिए दुआ करें अल्लाह मज़ीद तौफीक दे हमारे दोस्तों को भी जो हमारी टीम है नजब मुशरफ में, और आप मोमिन जितने भी देखने वाले आपके लिए बहुत सारे। मैं आपके साथ शाकिर अल नशवी और आपकी दुआओं का मोहताज, लबैक या रसूल।